नमस्कार दोस्तों, तो आज आप देख रहे हैं स्कोडा की ऑक्टेविया RS245 मॉडल। चलिए देखते हैं इसका रिव्यू। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आपको दिखाने जा रहे हैं स्कोडा की ऑक्टेविया RS245 2 लीटर TSI पेट्रोल मॉडल। फ्रंट का प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए, ग्रिल वर्क कैसा लग रहा है, बीच में बैजिंग कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी गाड़ी का रिव्यू आप देखिएगा। RS की बैजिंग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नीचे को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ग्रिल वर्क देखने को मिलता है। ये देखिए बम्पर पे कितना अच्छा वर्क किया गया है, डिज़ाइन पे बहुत अच्छा वर्क करता है ऑक्टेविया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हेडलैम्प्स, जिसमें कि आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। साथ में LED और DRL का काफ़ी अच्छा यूसेज देखने को मिलता है। नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं विद ब्लैक इंसर्ट्स, और थोड़ा सा वहाँ पे ग्रिल डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। ये बोनेट एरिया हो गया जिसमें आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। गाड़ी काफ़ी ब्रॉड है, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 7-स्पीड ऑटोमेटिक DSG गियर्स मिलते हैं आपको इसमें। ये आपका होगा डोर एरिया। आइए व्हील सेक्शन आपको चेक करा देते हैं। ये व्हील सेक्शन एरिया हो गया। यहाँ पे आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बीच में मिलती है स्कोडा की बैजिंग। कैसी लग रही है, आई होप अच्छी लग रही होगी। ये डोर हैंडल्स बॉडी कलर में, ORVM एडजस्टर्स विद इंडिकेटर। ये साइड बीडिंग आप देख सकते हैं। पिलर्स आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। अंदर का आप कैबिन स्पेस देख सकते हैं। सिटिंग एरिया कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको ये फैब्रिक जो दिख रहा है वो आपको एक वेलवेट टच सा दिख रहा होगा, और वाकई में वो एक वेलवेट टच ही है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये इंफोटेनमेंट एरिया आप देख सकते हैं। 7-8 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है आपको। डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी शानदार लग रही है। अंदर भी आपको क्रोम का यूसेज देखने को मिलेगा। ये स्टेयरिंग व्हील एरिया हो गया। AC वेंट्स के ऊपर आप क्रोम वर्क थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब थोड़ा बैक सेक्शन में आ जाते हैं तो आपको बैक सेक्शन दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा बैक सेक्शन आप देख सकते हैं। काफ़ी कम्फर्टेबल राइड के लिए अच्छी खासी स्पेस दी गई है। ये हो गया आपका डोर एरिया, जहाँ पे आपको कार्बन का थोड़ा बहुत यूसेज देखने को मिलता है, कार्बन ग्राफिक्स का। ये देखिए पीछे का सेक्शन, पेंट क्वालिटी A1। ऊपर की सनरूफ आप देख लीजिए कैसी लग रही है सनरूफ, और शार्फिन एंटीना ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं दोनों। आइए आपको बूट स्पेस भी पीछे चेक करा देते हैं। ये टेल लैम्प्स पहले देख लीजिए, इसमें LED का बहुत अच्छा यूसेज देखने को मिलता है। स्कोडा में हमेशा से ही LED का यूसेज किया गया है। पहले बल्ब का यूसेज होता था ऑक्टेविया में ज़्यादातर, लेकिन LED का आजकल हर गाड़ी में यूसेज ज़्यादा होने लगा है। ये एग्जॉस्ट एरिया देख सकते हैं। आपको बॉडी कलर में बम्पर मिल जाते हैं विद रियर सेंसर्स। ये हो गया बूट स्पेस एरिया 590 लीटर्स का। लगेज रखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इसका बैक साइड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पॉटी लुक देता है। पीछे का आपका रियर पार्किंग कैमरा हो गया। इधर से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेप्थ मिलती है आपको। नीचे की ओर देखेंगे तो मैट फिनिश में आपको रियर बम्पर देखने को मिलता है। बीच में आपको एक मिलता है रिफ्लेक्टर, और यहाँ का आप सेक्शन देख लीजिए, पूरी गाड़ी को देख लीजिए। मतलब कहीं से भी आप गाड़ी को देखेंगे आपको स्पोर्टीनेस फील होगी। 12 वोल्ट का ये चार्जिंग सॉकेट आपको पीछे मिल जाता है। आइए थोड़ा इस तरफ को चलते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर एक अच्छा लुक टेल लैम्प्स का। नीचे ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन गाड़ी का हमेशा से मजबूत और काफ़ी अच्छा रहा है। ये फ्यूल इनटेक कैपेसिटी एरिया हो गया 50 लीटर्स का। ये देखिए पूरी बीडिंग आप देख सकते हैं। आइए आपको गाड़ी आगे से और थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए अब हम आ गए ड्राइवर साइड पे। स्टेयरिंग व्हील सेक्शन एरिया, नीचे आप सीट एडजस्टर्स देख सकते हैं। क्रोम का वर्क, AC वेंट्स पे डी शेप आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है। प्यारी सी आपको सीट्स मिलती हैं, अलग ही लुक देती हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो कि कोई सुपर कार की सीट्स हों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मोड्स भी दे रखे हैं, आप अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सीट को। ये आपको थोड़ा अच्छा खासा एरिया देखने को मिल जाता है। अंदर ग्लॉसी फिनिश, ये सनरूफ हो गई, लैंप्स चल रहे हैं। आई होप गाड़ी आपको अच्छी लग रही होगी, मेरा रिव्यू भी अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन। आगे बढ़ते हैं हम गाड़ी की ओर फिर से, तो इधर से आपको गाड़ी का और अच्छा लुक दिखा देते हैं। गाड़ी आई होप आपको पसंद आई होगी। ये देखिए पीछे का पूरा लुक आपको दोबारा से दिखा देते हैं। अच्छे से आराम से आप गाड़ी देख लीजिए, आप शोरूम जाके गाड़ी देखिएगा। आई एम श्योर आपको गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय।